सारे के सारे सामने दारू पीवेंगे, शराब पीवेंगे और पंगे करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। मौका था अम्बाला में चल रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जोनल यूथ फेस्टिवल का, जहां मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। पहले तो मंत्री जी ने मंच से हरियाणा सरकार की नई शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की शिक्षा नीति में भारतीयता ज्यादा होगी, जबकि पहले की सरकारों की शिक्षा नीति में विदेशीपना ज्यादा होता था। नई शिक्षा नीति में लेके अरे जिसमें भारतीयता होगी, अभी तक जो शिक्षा दी जा रही उसमें विदेशी पुट ज्यादा है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है हमारे से पहले इस पे काम चल रहा था, और ये एक ऐसी पहला ऐसा वो है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ बातचीत की गई, जो शिक्षाविद है उनसे बातचीत गई, जो जनप्रतिनिधि है उससे बात की गई, गांव के सरपंच से भी बात की गई, जिला परिषद के मेंबर से भी बात की, जिला परिषद के चेयरमैन से बात की गई, यानी कि हर क्षेत्र में, गांव में भी शहर में भी, सबसे 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनसे बातचीत करने के बाद ये शिक्षा नीति बनी और जो पूर्णतः भारतीयता के ऊपर निर्भर हो। इसके बाद कंवरपाल गुर्जर रीति रिवाजों की बात पर आ गए और फिर उन्होंने आने वाले न्यू ईयर को लेकर जो बयान दिया उसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या है वो बयान, आप भी सुन लीजिए। मारे जितने रीति रिवाज भी है उनमें आध्यात्मिकता है। अभी नया साल आने लग रहा अंग्रेजी वाला, तो किकर मना गए हो, हवन करोगे कोई सा, सारे के सारे सामने दारू पीवेंगे, शराब पीवेंगे और पंगे करेंगे। आप देख लियो कोई मुझे बता दियो जो हवन करने लग रहा हो, लेकिन जैसे ही मारा नया साल आएगा तो क्या करोगे, हवन करोगे नहीं करोगे, हवन भी नहीं करोगे तो थोड़ा हलवा तो बनाओगे। वीडियो में मंत्री कंवरपाल गुर्जर न्यू ईयर को लेकर लोगों को कह रहे हैं कि उनको पता है सारे लोग दारू पिएंगे, कोई हवन नहीं करेगा और सब पंगा करेंगे। कंवरपाल गुर्जर के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अम्बाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल की रिपोर्ट।